2010 में ये जगह एक बंजर जमीन हुआ करती थी, बट टुडे इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल टाउनशिप जिसमें है खूबसूरत घर, ग्रीन पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डे एंड नाइट क्रिकेट स्टेडियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स एंड अ लॉट मोर। बेसिकली एन एपिटोम ऑफ मॉडर्न लिविंग। मैं हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक ऐसे टाउनशिप में जिसने पूरे NCR का लैंडस्केप बदल दिया। वेलकम टू गौर सिटी। Spread over an area of 237 acres, Gaur City एक sprawling integrated township है। यहाँ की strategic location और यहाँ की कई सारी amenities make this an attractive place for people from all walks of life. In a city where people are used to staying in row houses and colonies, Gaur City has truly become a trendsetter. इस township का development पिछले 8 से 9 साल में ही हुआ है, जिसमें करीब 30,000 families रहती हैं, यानी 1.5 लाख लोग। Meet the man behind the transformation of not just Noida's landscape, but also the mindset. Mr. Manoj Gaur, Chairman and Managing Director of Gaur's Group. एक प्रोजेक्ट मेरे को याद है, वो हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट लिया था क्योंकि उसके अंदर दलदल थी और पहली बार जब हमने JCB उसके अंदर किया तो JCB बड़ी जैसी मशीन उसके अंदर चली गई, अंदर डूब गई जो है। देन के ये क्या हुआ, इस पे बिल्डिंग कैसे बनेगी। लेकिन इन्होंने अपने विजन और मेहनत से इस दलदल को एक सॉलिड ग्राउंड में बदल दिया और लाखों लोगों का पहले घर का सपना पूरा कर दिया। मारुति लोगों की पहली कार होती है, तो हम रियल एस्टेट के मारुति जो है बनना चाहते थे कि किस तरह से जो है हम कम कॉस्ट में अच्छी लोकेशन और अच्छी फैसिलिटीज के साथ घर दें। ऑफ कोर्स बीच बीच में हमने टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा चेंज की जो है। आई थिंक प्रोबेबली वी आर द लार्जेस्ट जो है इम्पोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। वी इन्वेस्ट मोर देन 150 करोड़ रुपीज़ इन टेक्नोलॉजी ऑनली, कि मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग को कैसे फास्ट और कैसे तेज़ी से बनाना है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और वी आर इन टू द कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही। कभी भी हमने आउटसोर्स नहीं किया, कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे साथ रही, तो कंस्ट्रक्शन में एक पैशन भी था हमारा और कंस्ट्रक्शन हम खुद करते थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा रहा कि कॉस्ट की कंट्रोलिंग एंड टाइम पे हम वो बना के दे सके। ये दो चार चीजें रही जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। वो अपने लाइफ की यात्रा बिल्कुल इस रोल्स रॉयस की तरह करते हैं, अ सिंबल ऑफ हिज ट्रायंफ एंड रिलेंटलेस परस्यूट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रोल्स रॉयस दिल्ली में क्या एवरेज देती है। जब आप रोल्स रॉयस ले रहे हैं तो एवरेज को भूल जाना चाहिए। मैं मुंबई से हूँ जहाँ इतनी स्पेस नहीं है, बट आपने कैसे इस स्पेस को इतना ऑप्टिमली और एफिशिएंटली इसे ट्रांसफॉर्म किया है, टेक अस थ्रू दैट जर्नी। देखिए, आज तो हम कह सकते हैं आज से 10-11 साल पहले यहाँ कोई आता नहीं था जो है। तो जो मैंने पहले भी बताया कि इस रोड की जो मैं बात कर रहा था, ये रोड यहाँ कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। नोएडा से और इस एरिया का कोई कनेक्शन नहीं था। जो सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो नोएडा है और ये ग्रेटर नोएडा है। तो इतनी पास होते हुए भी ये एक नेगलेक्टेड स्पेस था, क्योंकि सब लोग वो परी चौक यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर उसी पे लोग जाते थे, वहाँ कनेक्टिविटी थी। तो वी आइडेंटिफाइड दिस लैंड कि यहाँ पर ये लैंड अभी जो है अनटच्ड लैंड है। लेट्स मेक ए सिटी जो एक आम आदमी को एक घर चाहिए, पहला घर चाहिए, और अफोर्डेबिलिटी इज़ द बिगेस्ट जो है आप कह सकते हैं रीज़न टू चूज़ दिस, क्योंकि लैंड प्राइस यहाँ पे बिल्कुल कम थे क्योंकि कोई आता ही नहीं था। यू कैन सी नाउ कि यहाँ पर आज 30,000 से ज़्यादा फैमिली रह रही है, 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और मूविंग पॉपुलेशन। ये जो रोड कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये एक पूरे शहर का गेटवे जो है बन गया है। हमारा जो एक थॉट था कि हमें 3 कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं, वॉक टू प्ले, वॉक टू वर्क एंड वॉक टू स्कूल। वो हमने जो है इसको पहला थीम इसको ये दिया था कि भाई एक सिटी ऐसी बनाए जिसके लिए लोगों को भागना ना पड़े, ये दौड़ा एवरी थिंग इज़ विद इन द सिटी। और कॉन्सेप्ट हमने डे नाइट स्टेडियम्स इसलिए बनाए कि लोग जो है 6 बजे के बाद जो काम करके आते हैं, 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता तो वो खेल नहीं पाते, तो रात में उनको हमने लाइट्स करा।
एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने सिंगापुर विजिट किया, वहाँ पर एक रूल है कि हर बच्चा अपने ही सेक्टर के स्कूल में जाएगा, सो दैट ट्रांसपोर्ट और जो एक एक क्वालिटी टाइम होता है बच्चे का, वो सुबह सुबह हमारे सब बच्चों ने भी एक एक घंटे स्कूल की बसों में जो है सुबह 6:30 बजे मम्मियाँ उठा के खड़ी कर देती हैं तो वो भी एक था कि स्कूल भी अंदर बनाना है। तो आज एक स्कूल में मोर देन 4,500 किड्स हैं, जिसमें 85% बच्चे जो है वॉक करके आते हैं। ब्यूटीफुल मॉल, लार्ज मॉल इसके अंदर है, तो वो धीरे धीरे सिटी एक इवॉल्व हो रहा है यहाँ पर। आपकी एंट्री रियल एस्टेट स्पेस में हुई कैसे? बिकॉज एज पर व्हाट आई नो योर फादर वाज एक्चुअली इनटू रेलवेज, राइट? तो रेलवेज टू रियल एस्टेट ये स्विच कैसे हुआ? फादर मेरे रेलवे में थे, लेकिन उनकी जो सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन ही थी। ओके। तो वहाँ से जब हमने अपना कॉलेज खत्म किया तो मेरे को मौका मिला एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में समझ आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवर फील्ड। और फिर छोटे छोटे मकान उस टाइम बनते थे कि एक प्लॉट के अंदर 5 अपार्टमेंट 10 अपार्टमेंट, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और लगातार हर साल कंपनी ने अपना टर्नओवर डबल किया। एक्सपीरियंस ऑफ जो है कंप्लीटिंग लार्ज प्रोजेक्ट धीरे धीरे आता गया, कॉन्फिडेंस आता गया, तो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट जो है मोर देन 250 एकड़ टाउनशिप एक यहाँ पर बनाया, यमुना में बनाया, तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा। उसके अंदर बहुत हमने टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व किया, और कंस्ट्रक्शन हमारा पैशन था तो खुद कंस्ट्रक्शन में आज भी इन्वॉल्व होते हैं, रोज़ साइडों पे जाते हैं, तो उसने बड़ा हेल्प किया कि ये इतना बड़ा वॉल्यूम मोर देन 5 करोड़ स्क्वायर फीट जो बन गया, अब बन भी गया और बस भी गया, लोग रहने भी लग गए। मिस्टर कुमार एक बात सच सच बताना, मैंने सुना है आप टेबल टेनिस नेशनल चैंपियन थे, ठीक है, तो वो सब छोड़कर आप रियल एस्टेट में आए, आपके दिल ने आपको ये कहा करने के लिए या आपका दिल चाहता था कि आप स्पोर्ट्स में कुछ करें? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स तो खैर पैशन रहा, मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत खेला, और जो ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है वो भी कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स मैन अगर होता है तो उसको हमेशा लगता है कि अगर मौका मिले तो हम जो है ज़रूर स्पोर्ट्स के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था गोल्फ कोर्स बनाने का भी, तो हमने गोल्फ कोर्स को जो है कहा कि नहीं, गोल्फ कोर्स इज़ वेरी इलीट, बट हमने कहा कि इसको मल्टी स्पोर्ट्स बनाते हैं, जो लोग आम लोग रहते हैं वो क्रिकेट खेलना है, उन्होंने फुटबॉल खेलना है, एथलेटिक्स है, टेबल टेनिस है, बॉक्स क्रिकेटिंग है, जो मेरे अंदर भी एक स्पोर्ट्समैन था, तो हमने सबके लिए एक स्पोर्ट्स क्रिएट किया। और वो बहुत बड़ा स्टेडियम है, इट्स ए गुड, वेरी गुड 18 एकड़ स्टेडियम विद ऑल नेशनल इंटरनेशनल फैसिलिटीज। 18 एकड़ इतना बड़ा स्टेडियम, आई वुड लव टू सी। कॉस्ट हमेशा से ही चैलेंज रही है, क्योंकि हम हमेशा अफोर्डेबल हाउसिंग को कर रहे थे, तो उसमें एक सबसे पहला जो हमारे लिए रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ लैंड। अगर लैंड हमारे को सस्ती एक्वायर हो जाती है तो उसके ऊपर देन FAR, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे FAR भी इंक्रीज़ किया, तो पर स्क्वायर फीट जो है उसकी कॉस्ट कंट्रोल आई। देन क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद थे तो उससे हमने उसके कॉस्ट को कंट्रोल किया। देन वी यूज़ द टेक्नोलॉजी, हमने कहा कि फास्ट कैसे हो सकती है वॉल्यूम, जितना भी जो चीज़ हम 4 साल में बना रहे हैं अगर हम उसको 2 साल में या 18 महीने में बना पाएँ तो जो मेरे फिक्स कॉस्ट हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट हैं, वो कम आ सकती है, तो पर स्क्वायर फुट ड्रास्टिकली हमने कम करी। तो कोविड में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि भाई क्या होगा, तो वो उस टाइम पे हमने लॉकडाउन के अंदर 650 प्रॉपर्टी सेल करी थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन क्योंकि उस टाइम एक बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज आया, जो लोग रेंट पे थे उनके साथ बड़ा ही सेकंड ग्रेट सिटीजन का तरह बिहेव किया RWS ने, तो सबको लगा यार मेरे को अपना घर होना चाहिए, और घर ही एक ऐसी चीज़ है जो आज मेरे पास है, ना मेरी गाड़ी काम आ रही है, ना मेरी जो बैंक बैलेंस काम आ रहे हैं, ना मेरा शेयर सर्टिफिकेट काम आ रहे हैं, तो घर के लिए एक बड़ा चेंज आया। एज एन एंटरप्रेन्योर आप सिर्फ अकेले नहीं अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी टीम रिप्रेजेंट करती है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जो आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स हैं, हाउ डू यू मेक श्योर दैट इट्स गोइंग टू योर सेल्स टीम आल्सो और योर अदर टीम्स दैट आर इन्वॉल्व? देखिए ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है और जैसी राजा वैसी प्रजा, जो मैनेजमेंट की थिंकिंग होती है, जो मैनेजमेंट का जो व्यू होता है वो सभी में धीरे धीरे परकुलेट करने, अगर मैं ऊपर बैठा हुआ कुछ गलत काम करता हूँ तो मेरी टीम भी वैसी बन जाती है। तो आज मेरी टीम में 20-20 साल पुराने लोग हैं, तो वो एक एथिक्स कंपनी के जो है वहीं चले आ रहे हैं कि भाई आपको जो है कस्टमर केयर है या क्वालिटी प्रोजेक्ट है, डिसिप्लिन रखना है अपने फाइनेंस में, डिसिप्लिन रखना है अपने जो है कंस्ट्रक्शन में, तो वो चीज़ें धीरे धीरे जो है नीचे सब टीम अब ऐसी बन गई है। लोग पसंद नहीं करते बिल्डर को, एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाए रेपुटेशन खराब हो जाती है, किस तरह से आप ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह से आपकी रेपुटेशन ना खराब हो और द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी स्टिल लाइक यू?
मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आज से हमने जो 20 साल पहले भी कोई टाउनशिप बनाई है, तो मैं उस सोसाइटी में जाके किसी भी घर में बैल बजा के आज भी एक कप चाय पी सकता हूँ। तो ये एक एडवांटेज हमारा हमेशा रहा, क्योंकि हमने हमेशा चीज़ों को फेस किया। ये नहीं कि जो प्रॉमिस किया वो कम्प्लीट नहीं किया। वेल, सो बिजनेस कोई भी हो, मेहनत और ईमानदारी हो साथ में, नतीजा आपके सामने है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मिस्टर मनोज गौर ऑन आर एपिसोड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम भारत, जिनके फादर की शुरुआत हुई थी एज अ रेलवे एम्प्लॉय, पर आज उन्होंने मिलकर एक नया शहर बसा दिया है इन ग्रेटर नोएडा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी काम्या जानी साइनिंग ऑफ।